सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आप सभी आज जो है ये समझते हैं कि क्लास आपका कब ओपन होगी और कब से क्लास चलेगी और कितने बजे चलेगी और कितने बजे आपकी छुट्टी होगी, इसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो क्लास जो है 7 तारीख से स्टार्ट होगी, 6 तारीख तक रिपोर्ट आ जानी है, 6 तारीख तक पूरा डिसीजन हो जाएगा। तो उसके बाद 7 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो 7 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा तो आप सभी 7 तारीख से आ सकते हैं ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज में और क्लास कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ नियम कानून और कुछ शर्त है, शर्त को पालन करना पड़ेगा आपको और हमको भी शर्त का पालन करना है, तभी क्लास स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट होने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले शर्त क्या होगा और कैसे क्लास करनी है इसके बारे में जानिए। सबसे पहला काम, आपकी क्लास 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, इसे 6 तारीख हम बताए थे कि 6 तारीख को स्टार्ट होगा, लेकिन 6 तारीख नहीं, 7 तारीख से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतना दिन हम रुक ही गए तो एक दिन और रुकने में क्या दिक्कत है, एक दिन और रुकिए और 7 तारीख से आप लग जाइए, 7 तारीख से क्लास आना स्टार्ट कीजिए। और आपके आस पड़ोस में जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे पास पहले पढ़ते भी नहीं थे, जो न्यू स्टूडेंट है, जो इंटर पास किए हुए कंपटीशन क्षेत्र में आना चाहते हैं, कंपटीटिव दुनिया में घुसना चाहते हैं, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेट करके मेरे पास लाइए। ऐसा नहीं कि एडमिशन कराना है, 10 दिन वो पहले डेमो क्लास करेगा, फ्री क्लास करेगा, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा तो फिर वो एडमिशन करा सकता है, अन्यथा नहीं कराएगा। एडमिशन का कोई प्रेशर यहाँ नहीं है, एडमिशन के बारे में कुछ नहीं सोचा। न्यू स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एडमिशन के बारे में मेरे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको, आप मेरे पास आए तो एडमिशन ही कराना। पहले 10 दिन आप आराम से पढ़िए, समझिए, बुझिए, उसके बाद फिर एडमिशन कराइए। नहीं समझ में आए तो बहुत सारे टीचर हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि सुल्तानगंज में जितने भी टीचर हुए हैं, जितने भी टीचर कोचिंग संस्थान लगभग है, सारे ट्रिक सेंटर में पढ़ के कोचिंग खोले हुए हैं। तो आपको जो है, आपको आना है, क्लास करना है, समझना है, उसके बाद एडमिशन कराना है। एडमिशन कराना है, सबसे मुख्य दायित्व ये होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो एडमिशन कराएंगे ना। एडमिशन के बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में कुछ नहीं चर्चा, पहले 10 दिन आराम से आपको ट्राई करना है। और अब कितने बजे क्लास आपकी होनी है पहले इसको समझिए। आपका क्लास जो है, जो लोकल स्टूडेंट है सुल्तानगंज आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सुबह आते थे, यानी उसका क्लास 7 बजे होता था, तो 7 बजे उसका क्लास होगा, 7 बजे क्लास होगा, 7 से 8:30 तक क्लास होगा। जो 7 बजे बैच में आ सकते हैं तो आ सकते हैं, जितने भी अकबर नगर, महेश, तिलकपुर, जितने भी आस पड़ोस के स्टूडेंट हैं जो अकबर नगर से आते थे वो इंटरसिटी से आएंगे, इंटरसिटी के टाइम में उसका क्लास होगा, 7 बजे तक में उसका क्लास स्टार्ट हो जाए। अभी फिलहाल 7 बजे हम स्टार्ट किए, फिर उसका पीछे जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अकबर जो ट्रेन वाले स्टूडेंट है, अकबर नगर वाले स्टूडेंट है, और अकबर नगर से आइए इंटरसिटी से और वर्धमान से लौट जाइए, और वर्धमान का समय से पहले आपकी छुट्टी हो जाएगी, वर्धमान ट्रेन पकड़ा जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपको 7 बजे पहुँचना है, इंटरसिटी से आना है और वर्धमान से लौट जाना है। तो लोकल स्टूडेंट 7 बजे आप पहुँच जाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, इस बैच में आ जाएंगे 7 से 8:30। और इसमें जितने भी हैं, जो नए हो या पुराने हो, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट आइए, क्योंकि क्लासरूम 2-3 रूम है, तो एक क्लासरूम में नया बैच स्टार्ट होगा, एक क्लासरूम में पुराने स्टूडेंट के लिए होगा, सारे के लिए होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो जो 7 बजे आ सकते हैं 7 बजे क्लास में इन कीजिए 7 तारीख से, और जो वर्तमान ट्रेन से आते हैं अकबर नगर वाले के लिए ये हो गया अकबर नगर, और महेशी तिलकपुर जो ट्रेन से आते हैं जो लोकल है तो 7 बजे वाले बैच में आ जाएंगे। और उसके बाद जो लोकल है, जो लॉज में रहते हैं, तो जिसका जो सुविधा होगा वो आ सकते हैं इसमें। और दूसरा बैच आपका है 8:30 बजे, 8:30 से 10:30 होगी जो वर्धमान ट्रेन का स्पेशल बैच है। वर्धमान ट्रेन यानी कहने का मतलब है जो जमालपुर तरफ से आती है ट्रेन, उसके लिए बैच है। उस बैच में जितने भी है, जमालपुर, दशरथपुर, रतनपुर, बरियारपुर, कल्याणपुर, घोरघट, गनगनिया, जितने भी स्टेशन है, जितने भी स्टेशन से स्टूडेंट आते थे, तो सारे वर्धमान ट्रेन से आइए,
और खड़िया पिपरा, तो सारे वर्धमान ट्रेन से आइए और आपका बैच जो है वर्धमान ट्रेन आती है 8:30 तक में, तो आपका 8:30 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक वर्धमान ट्रेन नहीं आती तब तक उसका क्लास नहीं स्टार्ट होता, ये तो आप सभी को पता है, जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि मेरे पास ट्रेन का टाइम है वर्धमान स्पेशल, वर्धमान ट्रेन पहुँचती है तो फिर उसका क्लास स्टार्ट होता है, वर्धमान ट्रेन लेट हो जाती है तो क्लास लेट में स्टार्ट होगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। और आपका 8:30 बजे टाइम दिया गया, अगर वर्धमान ट्रेन 8:45 में आती है तो आपका क्लास 8:45 में स्टार्ट होगा, और 10:30 तक में आपका छुट्टी हो जाएगा, यानी लोकल के समय में लौटने के लिए लोकल ट्रेन के समय में आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो जो लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, लोकल पकड़िए, इंटरसिटी पकड़िए, मालदा पकड़िए, फिर ये आपका जो ट्रेन है बांका इंटरसिटी पकड़िए, जो पकड़ना पकड़ सकते हैं अपने इच्छानुसार से, यानी कहने का मतलब आपका ट्रेन नहीं छूटेगा। आप वर्धमान से आइए, लोकल से लौटिए, अकबर नगर वाले इंटरसिटी से आइए, वर्धमान से चले जाइए, यानी आने जाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। और जो लोकल स्टूडेंट लोकल आते हैं तो वो भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, वो भी आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है। ना ट्रेन वाले के लिए यह टेंशन नहीं है कि मेरा ट्रेन छूटेगा कि क्या होगा, इसका परेशानी नहीं है। और आप सभी इस ट्रेन से आएंगे, आने के बाद आपका ट्रेन के टाइम में छुट्टी हो जाएगा। और इसके अलावा 3:00 बजे वाला जो बैच था, 3:00 बजे वाला बैच था, वो 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होगा। जो 3:00 बजे आते थे वो फिलहाल अभी 7:00 बजे या 8:30 बजे वाले बैच में आएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, 2-3 दिन के बाद फिर ये 3:00 बजे वाला बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। जो 3:00 बजे आते थे अभी सुबह ही आइए, उसका फिर 3:00 बजे वाले बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं है, 12:30 बजे स्टार्ट होगा। तो आप सभी आइए और क्लास कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है उसको पेमेंट के लिए टेंशन नहीं लेना, पेमेंट आपको देना है, लेकिन आपको कुछ दिन ट्राई क्लास करके एडमिशन कराना है, ट्राई क्लास कीजिए तब एडमिशन कराइए। तो आपका क्लास में क्या क्या होगा, जो जानते हैं तो उसको पता ही है कि कंपटीशन में जो जो सब्जेक्ट होता है सारी चीज़ पढ़ाई होता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए बताना चाहते हैं कि मेरे पास आएंगे तो क्या क्या तैयारी आप कर सकते हैं और आपका पढ़ाई किस प्रकार से होगा, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। सबसे पहला कहूँ कंपटीशन, क्योंकि ट्रिक सेंटर जो ये आपका है कंपटीशन की तैयारी कराती है, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK एंड GS, ये सारे चीज़ की तैयारी आपकी होगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK और GS, और सारे के लिए आपका टीचर अलग अलग है, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स वाला GK पढ़ा रहा है, ये ऐसा नहीं है, आपका अलग अलग टीचर द्वारा क्लास होगा। मैथमेटिक्स के लिए आपको सोचना नहीं है, रीजनिंग के लिए सोचना नहीं है, ना ही GK GS के लिए सोचना है। और इसमें से अगर कोई तैयारी करना चाहता है, जैसे रेलवे की तैयारी करना चाहता है रेलवे के लिए आइए, और आप SSC की तैयारी करना चाहते हैं SSC के लिए आइए, बैंक का करना चाहते हैं बैंक के लिए आइए। तो सबसे पहला काम, और उसके बाद आर्मी, एयरफोर्स हो गया, और उसके बाद आपका GD SSC GD, यानी जितने भी है पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक, जितने भी ATC, जितने भी कंपिटिटिव क्षेत्र में आते हैं जो इसके दायरे में हो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK और GS, यानी इसके अलावा तमाम कंपटीशन के जितने भी कोर्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, GS पूछा जाता है, सारे के लिए आप आमंत्रित हैं, सारे के लिए आ सकते हैं। और बैंक में आप बोलेंगे कि इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है, तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से क्लास करना है, इंग्लिश के लिए आपको अलग टीचर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का तैयारी हम नहीं करवाते, मेरे पास इंग्लिश का टीचर नहीं है, और क्योंकि टाइम भी नहीं है, हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK GS को आपको तैयार कर देंगे पूरी अच्छी तरह से, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी रहेगी। या बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK GS से रिलेटेड रखने वाला जितने भी कंपटीशन है सारी की तैयारी आप कर सकते हैं आगे। और कुछ आदमी बोलता है कि स्पेशलिस्ट रूप से तैयारी करना, तो स्पेशलिस्ट क्या होता है, आप बिहार में पैदा लिए हैं तो स्पेशलिस्ट कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ग्रुप डी का फॉर्म भरता है, जो इंजीनियर
की तैयारी किया हुआ वो ग्रुप डी में जाता है, जो जो ऊपर क्षेत्र से है बीटेक एमटेक किए हुए हैं वो भी रेलवे का फॉर्म भरता है, तो कहाँ स्पेशलिस्ट रह गए। तो आप बेस बना लीजिए, यानी कहने का मतलब आपका बेस होना चाहिए मैथमेटिक्स रीजनिंग जीके जीएस पूरा तैयार होना चाहिए। जो क्षेत्र आया उस क्षेत्र में आप फिलअप कर दीजिए, आपकी नौकरी होगी, नौकरी करने चले जाइए। ऐसा नहीं कि स्पेशलिस्ट के लिए आप लगे रहेंगे ना तो फिर आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे। आप बेस तैयार कर लीजिए मैथमेटिक्स रीजनिंग जीके जीएस और इंग्लिश जो करना कर सकते हैं। बेस तैयार करने के बाद इतना जिस क्षेत्र में जिस विभाग में पूछे उस विभाग का फॉर्म फिलअप कीजिए, उसका तैयारी कीजिए। और कंपटीशन दुनिया के लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग और जीके जीएस ये ब्रह्मास्त्र है। 90% सवाल इससे पूछा जाता है, 90% हम लेकर चलते हैं, ये पूछा जाता है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी करनी हो तो आप आइए, आपकी तैयारी हम क्रेश कोर्स के तहत आपके एग्जाम आते आते हम करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम आते आते करवा देंगे। बस शर्तें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो फिर आप सफल होते, अगर मेहनत नहीं करेंगे फिर सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी तैयारी हम उसका करवा देंगे, इसलिए आप सभी आइए और एक बार ट्राई कीजिए, एक बार, दोबारा नहीं, एक बार ट्राई कीजिए, एक बार आप पढ़िए, पढ़ने के बाद समझ में आएगा तो एडमिशन कराइएगा, फिर नहीं कराइए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुल्तानगंज में जितने भी टीचर हैं, टीचर को भी पढ़ाने वाला ये ट्रिक सेंटर है। जितने भी टीचर हैं मैट्रिक को पढ़ाने वाला या कंपटीशन क्षेत्र को पढ़ाने वाला, लगभग टीचर मेरे पास पढ़ के गया है और दूसरे जगह इधर उधर क्लास उसने अपना खोला है। तो आप गलत फहमी में नहीं रहेंगे, गलत फहमी का शिकार नहीं बनेंगे। जो करना है आपको एक बार मन से कीजिए, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो नौकरी चाहेंगे वो मिलेगा, बस आते मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत एक बार कीजिए तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो स्टूडेंट ये ट्रिक सेंटर को नहीं देखे हुए तो वो मेरे पास कैसे पहुँच सकते हैं, जिसको जानकारी नहीं है कि कहाँ पर है, तो आप जानिए कि कैसे मेरे पास पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जो वर्धमान ट्रेन से आने वाले हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो वर्धमान ट्रेन से आने वाले हैं, मान लिया जाए ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म आने के बाद आपका यहाँ बाहर रास्ता निकलने का है, तो बाहर इससे निकल जाइएगा, नया स्टेशन से न्यू वाले स्टेशन जहाँ है न्यू, तो उसे बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आप रोड पर आ जाएंगे, रोड पर आने के बाद यहाँ पर रोड पर जैसे आगे सीधे चलते गए, चलते जिस रोड में घाट है, घाट रोड में नहीं जाना है, जाने के बाद इस तरफ घाट चला जाता है, चौक जिसको चौक बोलते हैं, चौक पर चला जाता है, इसमें नहीं जाना है। आपको जाना किधर, इस तरफ, जिस तरफ सिनेमा हॉल है, इस तरफ आ जाना है। आने के बाद चलते चलते आप आ जाएंगे रेलवे कॉलोनी के पास, यहाँ पर आ जाएंगे, तो इस तरफ मुड़ा हुआ है, रेलवे कॉलोनी के पास आ जाएंगे, तो रेलवे कॉलोनी के पास इस तरफ रोड है, तो इस तरफ आपको आ जानी है, तो डोमासी जहाँ पर है उसके अंदर आ जाना। अंदर आने के बाद कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर आपको ट्रिक सेंटर मिल जाएगा, रोड पर ही यहाँ पर ट्रिक सेंटर है, तो ट्रिक सेंटर का यहाँ बैनर लगा हुआ है, बस यहीं पर। यानी कहने का मतलब, आप स्टेशन से बाहर निकले, बाहर आने के बाद सिनेमा हॉल वाले रोड में आए तो कोना पर आ गए रेलवे कॉलोनी के पास, कॉलोनी के पास आने के बाद यहाँ पर इस तरफ मुड़ेंगे, मुड़ने के बाद आपका बाईपास जिसको बोलते हैं बाईपास रोड, तो रेलवे कॉलोनी के बाद आप प्रोफेसर कॉलोनी में आ जाएंगे, वहीं रोड पर ही, बाईपास रोड पर ही ये ट्रिक सेंटर है, वहाँ बैनर लगा हुआ है। अगर किसी को परेशानी होती है आने में तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, 8083179758 या 7488116654, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इस रोड को पकड़े रहिएगा तो थाना के पास निकल जाए, थाना के पास नहीं निकलना, थाना और रेलवे कॉलोनी के बीच में ही ट्रिक सेंटर है,
थाना और रेलवे कॉलोनी के बीच में ही ये ट्रिक सेंटर है, तो आपको ट्रिक सेंटर मिल जाएगी। और जो थाना की तरफ से आना चाहते हैं तो थाना की तरफ से आना चाहते हैं, थाना की तरफ से यहाँ मुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिक सेंटर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। या दिक्कत होती है तो कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि कितने तारीख से आना है, आपको 7 तारीख से आना है, कल के बाद परसों से आना है, और आपका क्लास सुचारू रूप से परसों से चलेगा। और अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जीडी का भी ये वैकेंसी है, जीडी का भी एग्ज़ाम होनी है, एसएससी जीडी, रेलवे का भी एग्ज़ाम होनी है ग्रुप डी का, और इसके अलावा मेट्रो में भी कुछ वैकेंसी आई हुई है, और एसएससी बिहार एसएससी का भी फॉर्म आने वाला है। तो बहुत सारे वैकेंसी है, तो लेकिन वैकेंसी रहने से क्या होगा, आपकी तैयारी होनी चाहिए ना। तैयारी आप करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं होगे। तो आपको तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए आप मेरे पास पहुंच सकते हैं 7 तारीख से, 7 तारीख से आपकी क्लास चल रही है। बस जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं वीडियो को, तो आप कम से कम 5 स्टूडेंट को 5 ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लास 7 तारीख से ओपन होने वाली है। सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए कि 7 तारीख से क्लास होने वाली है और 7 तारीख से हमको क्लास करनी है। 7 तारीख से आप आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, और आप अपने जो मंजिल है उसकी ओर जा सकते हैं। चलिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।